हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव फिर आपके साथ, और आज हम लोग लेके आए हैं टॉपिक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे हमें देखना है बेटा कि यहाँ पे देखिए ये हमारा ओवरी है, ठीक है, और ये यूटेरस है पोर्शन, और यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जो लोग फर्टिलाइज़ नहीं कर पाते हैं या इम्प्लांटेशन में मुश्किल होती है, तो हम उसमें क्या करेंगे कि हम यहाँ अल्ट्रासाउंड करेंगे और देखेंगे। और यहाँ पे हमने एक हॉलो नीडल ये लगा रखी है जो कि यहाँ वैक्यूम पाइप से कनेक्टेड है। तो ओवेरियन स्टिमुलेशन, जो ये बेसिकली हार्मोन थेरेपी भी होगी इसमें, कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं उसको सही करेंगे, और उसके बाद हम इसमें इस अल्ट्रासाउंड मैकेनिज्म से देखेंगे कि जो हमारे एग्स निकल रहे हैं वो हमारे प्रॉपर टाइमिंग पर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फिर उस एग को हम पिकअप करेंगे, पिक करके फिर उसके बाद हम स्पर्म से फर्टिलाइज़ करेंगे, और फर्टिलाइज़ करने के बाद वो जो स्टेजेस डेवलप होंगे उस स्टेजेस का फर्टिलाइजेशन और जो भी प्रोसेस आपके हैं जायगोट बनने के बाद, क्योंकि ये दोनों आप देख सकते हैं एग और स्पर्म है, फिर उसके बाद जायगोट बना, फिर ये डिवाइड करेगा, और जब कंप्लीट स्टेजेस हो जाएंगी तो उसके बाद यहाँ पे जो कैन्यूला के माध्यम से इस स्टेज को हम यूटेरस में इम्प्लांट करेंगे। ठीक है, ये हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है, और यहाँ इम्प्लांटेशन के बाद ये बेबी डेवलप करेगा। तो जो टेस्ट ट्यूब मैकेनिज़्म हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है वो इस स्टेज तक रहेगी। ठीक है, और जो ट्रांसफ़र हम करके एम्ब्रियो को इम्प्लांट करेंगे तो यहाँ बेबी डेवलप करेगा। चूँकि ये प्रोसेस इन विट्रो प्रोसीजर में है, मतलब आर्टिफिशियल कंडीशंस में हम इसे डेवलप कर रहे हैं, ना कि इन वीवो कंडीशन में, इस वजह से इसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। थैंक यू बच्चों, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।